चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 67th का एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर को होने वाला है और इस एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हुए, तो पीटी एग्ज़ाम के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर का डिस्कशन चल रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर के पहले सीरीज से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित दो लोगों को किया जाएगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को, यानी ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया जाएगा जो कि बिहार शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए? तो नए सभापति निर्वाचित हुए देवेंद्र चंद्र ठाकुर। विधानसभा परिषद के नए सभापति जो निर्वाचित हुए देवेंद्र चंद्र ठाकुर हुए। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। बिहार के डिप्टी गवर्नर तो डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव हैं। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार के राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 90 प्रतियोगिता किस टीम ने जीता? तो ये जीता पटना टीम ने। पटना जो कि बिहार की कैपिटल है और पटना जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त को स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा भारत का प्रतिष्ठित सम्मान खेल रत्न सम्मान, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो इस बार जो कि बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम जीती तो वो पटना की टीम ने जीता। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई? तो वो गया में की गई। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो ये गया में है, गया में विष्णुपद मंदिर जो कि है। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष जो कि अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। 76 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी मैदान में निकाली गई 9वीं झांकी में किस विभाग को झांकी का पहला स्थान मिला? तो यह स्थान जो कि कृषि विभाग को मिला, कृषि विभाग को जो कि झांकी में पटना मैदान में हुए झांकी में कृषि विभाग को मिला। बिहार के किस कलाकार को पेंटिंग के लिए लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया राजीव राज को जो कि लिंका वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया में किया जा रहा है, जूट और फाइबर पार्क जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 में प्रथम तिमाही अप्रैल के जुलाई में मनरेगा के तहत ग्रामीण जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में बिहार के कौन सा जिला राज्य में के पहले स्थान पर आया? तो ये आया बक्सर जिला। बक्सर जहां वही स्थान है जहां पे 1576 में जहां पर बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में यहाँ पे हुई थी। तो प्रथम तिमाही अप्रैल में मनरेगा के तहत जिलों में प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर था? तो बक्सर। बक्सर से ही गंगा नदी जो कि बिहार में प्रवेश करती है और बक्सर एक तरफ बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बलिया के आगे जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट होता है वो बक्सर होता है। तो बलिया से बक्सर में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, उसके अलावा गंगा नदी जो कि बिहार
को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार। गंगा नदी की पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो 2525 किमी होती है पूरी इंडिया भर में। उसके अलावा गंगा नदी जो कि भारत की जीवनदायिनी नदी कही जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में बच्चों के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई? तो ये नटखट साइंस लैब खोली गई भागलपुर में। तो बिहार में नटखट साइंस लैब जो कि खोला गया भागलपुर में। उसके बाद गया में, बोध गया में क्या हुआ? तो भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी मुद्रा जो कि बोध गया में है।